नमस्कार, मैं ऋतिका गुसाई और आपका स्वागत है IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1940 में भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर गोलियां चलाई थी। उधम सिंह के सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। यहीं पर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डवायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। वहां माइकल ओ डवायर भी स्पीकर में से एक था। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डवायर को निशाना बनाया। उधम की चलाई हुई 2 गोलियां डवायर को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1899 में आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता बुरगुला रामकृष्ण राव का जन्म हुआ था। बुरगुला रामकृष्ण राव आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता थे। बुरगुला रामकृष्ण राव हैदराबाद सामाजिक सम्मेलन के सचिव रहे तथा हैदराबाद सुधार समिति एवं हैदराबाद राजनीतिक सम्मेलन के सदस्य रहे। 1938 में उन्हें राज्य कांग्रेस का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। वे 6 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 1956 में उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे इस पद पर 1960 तक रहे। उसके बाद 1 जुलाई 1960 को उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे इस पद पर 15 अप्रैल 1962 तक कार्यरत रहे थे। आज ही के दिन 1980 में एक युवा राजनेता और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का जन्म हुआ था। वरुण गांधी का जन्म 13 मार्च 1980 को नई दिल्ली में हुआ था। वरुण गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव हैं। इससे पहले वो 16वीं लोकसभा में सुल्तानपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। आज ही के दिन 1800 में एक मराठा राजनेता नाना फडणवीस का निधन हुआ था। नाना फडणवीस एक मराठा राजनेता थे जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वह अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव की स्वयं पेशवा बनने की सारी कोशिश नाकाम कर दी थी। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ था। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। आज ही के दिन 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता शफी इनामदार का निधन हुआ था। शफी इनामदार एक भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने विजेंटा फिल्म के साथ अपना फिल्म करियर शुरू किया और अरत सत्य में इसे जारी रखा। उन्होंने यह है जिंदगी सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया। शफी की सबसे उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में आज की आवाज में निरीक्षक, आवाम में खलनायक और नजरान, अनोखा ऋषि और अमृत उनकी कुछ अन्य फिल्मों में कुदरत का कानून, जुर्म, सदा सुहागन और लव 86 सभी सफल फिल्म है। दिल का दौरा पड़ने से शफी का 13 मार्च 1996 को निधन हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी द्वारा 13 मार्च दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं, आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेध रंग लाल व सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें, आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी व बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला व सिलेटी।
सिंह आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48% उपलब्धि एवं अवसरों के प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है परंतु यह सब अस्थाई है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78% कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता रह सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल। तुला आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88% समय शुभ है। लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृश्चिक आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है। ध्यान रखें, भाग्य आपके साथ है। समय अनुकूल चल रहा है। निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड व काला। मकर आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है। भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्यों को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। मीन आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।